बांग्लादेश में हर जगह अराजकता का माहौल दिखाई दे रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि जो वहाँ काउंसलर हैं हिंदू, उन्हें मारा जा रहा है। जो हिंदू नेता हैं, पार्षद हैं और तमाम और दलों में, राजनीतिक दलों में, उन्हें मारा जा रहा है। जो नेता यानी अगुवाई कर रहे हैं हिंदू समाज के लोगों को इकट्ठा करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भारत पहुंचा जाए, किसी तरह से भारत आया जाए, उन सबको मारा और पीटा जा रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर हिंदू जाए कहाँ। एक बहुत बड़ा सवाल है कि हिंदू किस जगह पर रहे, किस स्थान पर रहे। अरे जिस भारत में हिंदू रह रहा उसी देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। आने वाले दिनों में बांग्लादेश की स्थिति को देखने के बाद भी अगर हिंदू समाज, अगर सनातनी समझता नहीं है, अगर वो सोचने की कोशिश नहीं करता, अभी भी बड़े बड़े अपार्टमेंट में, अभी भी बड़ी बड़ी कोठियों में वो बड़े आराम से एसी में और अपने महलों में रह रहा, तो वो जान ले कि आने वाले दिनों में आप सबकी भी स्थिति बांग्लादेश के हिंदुओं की तरह हो सकती है। आप सबको भी अपनी बड़ी बड़ी कोठियों को छोड़ना पड़ेगा, आप सबको भी अपने बड़े बड़े अपार्टमेंट को छोड़ना पड़ेगा और आपको भी दर दर भटकना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है कि आप भागोगे कहाँ, आप जाओगे कहाँ। आप जहां पर भी जाओगे चारों तरफ से सीमाएं आपके लिए बंद हैं। बांग्लादेश जा नहीं सकते, पाकिस्तान आप जा नहीं सकते, नेपाल की इतनी हैसियत और स्थिति है नहीं कि वो अपने यहाँ पर आपको शरण दे रख ले। श्रीलंका की इतनी आर्थिक व्यवस्था मजबूत नहीं है कि वो अपने यहाँ पर आपको रखे, आपको जगह दे। यानी चारों तरफ से हिंदू घिरा हुआ है, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद भी वो जागने की कोशिश नहीं करता, उसके बाद भी वो समझने की कोशिश नहीं करता। सबसे ज़्यादा वो लोग नहीं समझते जो सोचते हैं कि हमारा बहुत बड़ा कारोबार है, जो सोचते हैं कि हमारा बहुत बड़ा व्यापार है, जो सोचते हैं कि हमारे पास आलीशान बंगला, गाड़ी, घर सब कुछ है और मैं बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश्ड हूँ। उन सब के लिए बांग्लादेश की तस्वीर बहुत बड़ी नज़ीर है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, हिंदुओं को मारा जा रहा, हिंदुओं को वहां दर बदर किया जा रहा है, उनकी जमीन, उनकी पुश्तैनी मकान को तोड़ा जा रहा, उनके व्यापार कारोबार को लूटा जा रहा है, वो सब देखकर, सोचकर समझ लेना चाहिए। और अगर आप इसके बाद भी नहीं समझते हो, इसके बाद भी आप सोचते नहीं हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आप चारों तरफ से घिर गए हैं। आप ये समझ लीजिए आप चारों तरफ से बंधे हुए हैं और आपको बचाने वाला ईश्वर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब कोई अपने आप की रक्षा नहीं करता, अपने आत्मबल से कोई जागता नहीं, अपने आत्मबल को जगाने की कोशिश नहीं करता और दूसरे के सहारे बैठा रहता है कि दूसरा उसे भोजन देगा, दूसरा उसकी सुरक्षा करेगा, तो फिर उसको ईश्वर भी बचा नहीं पाता। आज जरूरत है सभी को जागने की, आज जरूरत है सभी को जागरूक होने की, आज जरूरत है कि आप जिसको व्यापार में दिनों दिन बढ़ाते जा रहे हो, दिनों दिन आर्थिक रूप से मजबूत करते जा रहे हो, छोटे छोटे व्यापार, छोटे छोटे कारोबार एक विशेष समुदाय के हाथ में सौंपते जा रहे हो, एक दिन आपका ही हाथ कट जाएगा, एक दिन आपके ही हाथ से आपका व्यापार, आपका कारोबार चला जाएगा। एक भीड़ महसूस करिए, वो बांग्लादेश की उस भीड़ को, कि जहाँ पर हिंदू भाग रहा, हिंदू एकदम से बदहवास है, उसकी हालत खराब है, उसकी स्थिति खराब है और वो कहीं पर भी जगह और पनाह नहीं पा रहा है, वैसे ही तस्वीर को जरा हिंदुस्तान में सोच के देखिए कि अगर कहीं पर भी हमला हो गया तो हिंदू कहाँ तक भागेगा, किस जगह तक भागेगा, कहाँ पर वो बचाव करेगा। चारों जगह बड़े बड़े जो जिले हैं वो सब एक विशेष समुदाय के अड्डे होते जा रहे हैं, गढ़ होते जा रहे हैं और उनको बचाने के लिए भी विपक्ष के नेता खड़े हो जाते हैं, उनको सहयोग देने के लिए भी विपक्ष के नेता बड़ी मजबूती से खड़े हो जाते हैं और उन्हीं का राग अलापने की कोशिश करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप बच नहीं पाओगे। उनके 57 देश हैं, 57 देशों में किसी भी देश में चले जाएंगे, कहीं पर भी रहेंगे, लेकिन आपका एक भी देश नहीं है, एक भी राष्ट्र नहीं है जो आपको पनाह दे दे, जो आपको जगह दे दे, जो आपको रहने के लिए आश्रय दे दे। जब इस देश में आपकी स्थिति बद से बदतर हो, भगवान ना करे कि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन अगर बद से बदतर स्थिति उत्पन्न होगी तो बाहर के और जो देश हैं वो तमाशा देखेंगे, वो भी आपको हमला करेंगे, वो भी आपको पीटने का काम करेंगे। अर्थात चारों तरफ से आप घिर गए हो,
चारों तरफ से आप एकदम से अपनी कमर को तोड़ चुके हो, तो एक बार वो लोग फिर सुन लें जो आलीशान कोठियों में रहते हैं, जो बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं, जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं कि हम बहुत आराम से बड़ी सुरक्षा में हैं, वो थोड़ा सा अपने शहर से बाहर निकल जाएं, थोड़ा सा अपने शहर के चारों तरफ इर्द गिर्द जरा सा घूम लें, जरा सा भ्रमण कर लें, उन्हें पता चल जाएगा कि वो कितनी सुरक्षा में है, कितने वो मुफीद हैं और कितने आराम से रह रहे हैं। उनके पांव तले जमीन पूरी तरह से खिसक जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बर अत्याचार किया जा रहा। सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदुओं के साथ, हिंदू की बहन बेटियों के साथ उस बांग्लादेश में क्या हो रहा होगा। सबसे बड़ा सवाल कि बांग्लादेश में जो पुश्तैनी से जिन्होंने बांग्लादेश को अपनी माटी माँ मान लिया था, वो हिंदू वहां पर रहकर कारोबार कर रहे थे, वो सब क्या कर रहे होंगे, किस हालात में रह रहे होंगे, वो आप समझिए। ये 100 साल पहले की घटना नहीं है, ये 1947 की घटना नहीं है, ये 2024 की है, जब दुनिया 21वीं सदी में एक नए अध्याय की ओर पढ़ रही है, टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है, तकनीकी की ओर बढ़ रही है, एक नए पैमाने गढ़ने का काम दुनिया कर रही है। ऐसे हालात में बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है, ऐसे हालात में अफगानिस्तान में अराजकता का माहौल है, ऐसे हालात में पाकिस्तान में अराजकता का माहौल है, और ऐसे हालात में जिस देश का सूरज कभी अस्त नहीं होता था ब्रिटेन में, वहां पर भी हालात बद से बदतर है। ये हालात कौन कर रहा है, आपको समझने की जरूरत है। इस हालात का कौन जिम्मेदार है, आपको सोचने की जरूरत है। आप कैसे सुरक्षित रहोगे, कैसे बच पाओगे, और आप बचोगे तो मानवता बचेगी, आप बचोगे तो राष्ट्र बचेगा, देश बचेगा, पूरा संपूर्ण विश्व बचेगा। क्योंकि सनातन जिस दिन समाप्त हो जाएगा, सनातन जिस दिन खत्म हो जाएगा, उस दिन आप ये समझ लीजिए ये पूरी मानवता भी तार तार हो जाएगी। ऐसे समय में एक संत, एक सन्यासी की उम्मीद झलकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे देश की परंपराएं रही हैं, चाहे समर्थ गुरु रामदास रहे हों, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती रहे हों, चाहे रामकृष्ण परमहंस रहे हों, और चाहे पूज्य देवराहा बाबा जी रहे हों, चाहे पूज्य अवैधनाथ महंत महाराज जी रहे हों, चाहे पूज्य दिग्विजयनाथ महंत महाराज जी रहे हों, इन सब ने देश और धर्म को बचाने की कोशिश की है। जब जब चाहे आप ये समझिए कि द्वापर युग में जब संकट आया तो संदीपिनी महाराज ने शिक्षित किया भगवान श्री कृष्ण को, त्रेता युग में जब संकट आया, असुरों का अत्याचार बढ़ा, तब विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने शिक्षित किया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, उसी तरह से इस समय एक संत आशा की किरण बने हुए हैं, और वो हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ, जो देश को, जो राष्ट्र को बचाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और एक कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और विश्वास लोगों को है, देश के कोने कोने से लोगों के हैं, क्योंकि जहां महाराष्ट्र हम लोग जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, अगर हम लोग साउथ के तमाम देशों प्रदेशों में जाते हैं, केरल कर्नाटक अन्य जगहों पर, या पूर्वोत्तर राज्यों में जाते हैं, हर जगह एक ही आवाज़ आती है योगी आदित्यनाथ की, योगी आदित्यनाथ की, कि देश को बचाने का काम सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते हैं, क्योंकि संत हैं, सन्यासी हैं, उनके निर्णय और उनके विवेक की हर कोई तारीफ करता है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आप सब भी प्रार्थना करिए, कामना करिए, मंदिरों में पूजा पाठ करिए, सड़कों पर उतरकर एक बार अपनी आवाज को मुहिम बनाइए कि कम से कम वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार ना हो, ना हो।